अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं बिना कोई मेहनत के पिज्ज़ा सॉस, वो भी बिल्कुल 5 मिनट में बनने वाली। तो इसमें हमने चढ़ा देखे 2 बड़े चम्मच तेल, तेल इसमें ज़्यादा जाएगा फ्रेंड। और ये हमने काट ली प्याज, बारीक चॉप कर ली। ये मेरे पास 2 मीडियम बड़ी वाली प्याज, उसको मैंने इसको डाल देंगे पहले। इसमें डाल देंगे 10 से 12 कली लहसुन की, वो भी साबुत डाल देंगे। और इसे लाइट ब्राउन कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड इसमें डालेंगे मिक्स हर्ब, चिली फ्लेक्स वगैरह सब है मेरे पास इसके अंदर। और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच चीनी स्वीटनेस के लिए। मिर्ची डालूंगी 1/2 चम्मच से कम, तीखा बनाने के लिए। और टमाटो केचप डालेंगे 1.5 चम्मच। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब रख देंगे इसमें टमाटर अपने, और इसको 5 से 10 मिनट ढक देंगे। ढक देते हैं, स्किन निकालेंगे इसकी हम। तो देखिए फ्रेंड, ये ना टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए, इसको हम उल्टा करके इसकी स्किन जो है ना इसको उतार लेंगे। देखिए आराम से कर रही, सबको उतार लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल ही, देखिए बस। और इसे अच्छे से देखिए मिक्स कर लेंगे। ये बहुत मज़े की बनती है फ्रेंड, एक बार ज़रूर बनाना आप भी इसे। हाथ से हमने इसकी सारी स्किन जो है ना हमने हटा ली, ये लहसुन भी ऐसा नहीं टूट जाएगा। तो उसके बाद बस 9 मिनट पकाइएगा, फिर आपकी पिज़्ज़ा सॉस बनके बिल्कुल तैयार हो गई है फ्रेंड्स। अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारी पिज़्ज़ा सॉस बनके बिल्कुल तैयार हो गई। इसको हमने एक डब्बे में कर लिया। अब बनाएंगे हम इससे एक पिज़्ज़ा। तो ये ले लिया हमने पिज़्ज़ा ब्रेड, इसमें हम सॉस डाल देंगे जो हमारी बच चुकी है, इसी चॉप करिए बारीक। इसमें डाल दिए टमाटर, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, इसमें डाल देंगे ढेर सारी चीज़। फ्रेंड इसको मैं रख देती हूँ 2 मिनट के लिए ओवन में, आप चाहे तवे में भी रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारा पिज़्ज़ा भी तैयार हो गया बनने के टाइम। तो आई होप आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी, यानी इस पिज़्ज़ा सॉस की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।